चालू आपकी इजाजत हो तो मैं मार थोड़ा नीचे कर लूँ। आदरणीय मनचाल सिंह हमारे नेता बिहार को नस नस को जानते वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और बिहार के राज्यसभा सदस्य और हम लोग को एक एक आदमी से परिचित हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले माननीय दिग्विजय बाबू हमारे साथ मंचा से हमारे तीन कार्यकारी अध्यक्ष धीरज जी समीर जी गौतम जी हमारे सीएलपी के नेता अजीत शर्मा जी हमारे बड़े भाई और पूर्व अध्यक्ष मार्गदर्शक चंदन बाकी जी हमारे पूनम पासवान जी हमारे प्रधान प्रवक्ता राजेश राठौर जी लाल बाबू लाल जी हमारे हक साहब और प्रेमचंद मित्रा जी हमारे हक साहब और सभी सम्मानित हमारे नेतागण मीडिया कर्मियों पत्रकार बंधुओं आज आप लोग के समक्ष जो हस्ती बैठे हुए हैं दिग्विजय बाबू मैं समझता हूँ न यहाँ के वर्कर को न नेता को न पत्रकार बंधुओं को इन्हीं को इनके परिचय की आवश्यकता है। आपसे तो हम लोग बराबर मिलते ही रहते हैं आप लोग का एक समर्थन भी जो हम लोग को मिलता है। आज मैं बिना समय जाया किए हुए आप समों से आग्रह करता हूं या आज अपने नेता दिग्विजय बाबू के उद्गार को सुने और उससे क्या क्यों कहना उसको समझे और देश में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यही करके मैं मैच उनको दे रहा हूं। अमिता जी हैं आइए आइए और मैं उन्हें दे रहा हूं दिग्विजय बाबू को सम्मानीय दिग्विजय बाबू धन्यवाद मदन जी। दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है। महंगाई पर बेरोजगारी पर किसान विरोधी बिलों पर पेगासस पर लेकिन न लोकसभा न राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी शाह की सरकार को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मना कर दिया। आखिर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी? एक तरफ यूपीए सरकार में और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जब इस प्रकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा के लिए मांग की गई चर्चाएं हुई बहस हुई उन्होंने विपक्ष ने अपना पक्ष रखा सरकार ने अपना पक्ष रखा और जनता के सामने ये बात गई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है पूरे तरीके से
सत्ता का केंद्रीकरण उन्होंने कर रखा है। बिना उनकी मर्जी के कोई चर्चा ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हो सकती। इसीलिए AICC ने यह तय किया है कि वे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को भेजेंगे। आज की जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में PSU और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सबको बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? वो संस्थाएं अब भारत पेट्रोलियम, जो कि हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का, उसमें आपको मुनाफा देता है, उसको भी वो बेचना चाहते हैं। LIC जो 100 करोड़ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, वो आज जबकि लाखों करोड़ की हो गई है और करोड़ों लोगों को उन्होंने सस्ते दामों पर, सस्ते प्रीमियम पर जीवन बीमा कराया है, उसको भी बेचना चाहते हैं। उसकी वजह से आज आपके बिहार में भी LIC के एजेंट्स में लगातार कमी होती जा रही है, क्लाइंट्स में कमी होती जा रही है। उसके सारे बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। राजनीति विचारधारा की होती है, और इस देश में एक तरफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राम मनोहर लोहिया उसमें शामिल मैं करूंगा, क्योंकि ये सब सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर्स थे। JP बाबू भी, ये सब समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि जिन्होंने कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज़ादी की लड़ाई के बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की है, उनका एक अलग एजेंडा है। तीसरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जो 1925 से लेकर आज तक उनका एक ही एजेंडा है कि वे गरीब, वंचित वर्ग और किसान और मजदूर के खिलाफ है। वो पूरे तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से भारतीय संविधान आया देश में तब से लेकर आज तक, गुप्त रूप, पहले तो खुलेआम और फिर उसके बाद गुप्त रूप से इन्होंने भारतीय संविधान को डाइल्यूट करने के लिए, प्रावधान को डाइल्यूट करने के बारे में उन्होंने सदैव प्रयास किया। यहाँ तक कि मोहन भागवत जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आरक्षण के मामले में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के खिलाफ रहे। जब भाखड़ा नंगल बांध बना तो भारतीय जनसंघ जिस समय था, और RSS ने प्रचार किया कि इस पानी का उपयोग तुम्हारी खेती में मत करो,
क्योंकि इससे बिजली निकल गई है, इससे खेती का काम नहीं होगा, इस तरह का झूठा प्रचार करते थे। जितने भी आज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको बेचने का कई प्रक्रिया है, आज 1990 से 91 के बीच में से डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी में, तब से लेकर और 2014 तक जितनी रेवेन्यू आई वो लगभग 3,30,00,000 के आसपास आई 91 से लेकर 2014 तक, यानी कि 14 और वो 23 साल में लगभग 3,30,000 का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। मोदी जी ने केवल 7 साल में 3,50,000 के का डिसइन्वेस्टमेंट किया। कांग्रेस पार्टी पीएसयू बेच नहीं रही थी, ये अपना शेयर होल्डिंग कम कर रही थी। शेयर होल्डिंग कम करना एक बात है और पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना दूसरी बात है। यही कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही है। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो किसानों के खिलाफ कानून लाए गए उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश में लगभग 2,000,000,000,000 का एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यवसाय है और उसमें चूंकि मंडियों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब व्यापारी को, उसकी हैसियत देखी जाती है, चेक किया जाता है कि उसमें इतना माल खरीदने की क्षमता है कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सबसे कम बिहार में होता है, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा धान का होता है, गेहूँ का होता है, लेकिन पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का जो मूल आधार था समाजवादी संरचना का, समाजवादी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो सब छोड़ चुके। और आज मैं देख रहा था कि जेपी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने जो जेपी पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी समाप्त कर दिया। किस कदर नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं ये अपने आप में इसमें साबित होता है। दूसरा बड़ा निर्णय इन्होंने लिया मोदी जी ने, शांता कुमार कमेटी बनाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू से, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव जी ने की और पंचायत और नगर पालिकाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद उनको अधिकार दिए जिसका पालन नहीं हुआ। और 2004 से और 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने जहां राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सब से राइट्स दिए, किसके लिए दिए? जनता के लिए। पहले केवल चुने हुए लोग अपने प्रश्न किया कर सकते थे विधानसभा में, संसद में, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से हर व्यक्ति को इस देश में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया और उसके कारण कई भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर हुए। राइट टू फूड देने के से गरीबों को 1 रुपये से 3 रुपया किलो में सस्ता अनाज मिल रहा है जिसकी वजह से भुखमरी दूर हुई। उसे समाप्त कैसे किया जाए, फूड कॉरपोरेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, ये पूरा का पूरा पूरी योजना जो है तीनों किसानों के विरोधी जो बिल आए हैं उसका एक ये मूल आधार है। और अगर FCI को ही ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है
जो अनाज का भंडारण इकट्ठा किया जाता है, प्रोक्योरमेंट होता है, वो खत्म होगा। और अब जो इन्होंने अभी असेट्स को बेचने का रखा है, उसमें एफसीआई के और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जो गोडाउन बने हुए हैं लाखों करोड़ के, वो हजारों करोड़ में ये लोग उनको देना चाहते हैं। इसी तरह से आप मजदूर विरोधी कानून भी इन्होंने बना दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में गाइडलाइन है कि किसी भी मजदूर से 8 घंटे से ज़्यादा आप उसको काम पर नहीं लगा सकते। इन्होंने 44 मजदूरों के कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिया, जिसमें अधिकार दे दिया राज्यों को कि वे 8 घंटे के काम का जो लिमिट है उसको बढ़ा के 12 घंटे कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार विवेक छोड़ दिया एसडीएम पर, यानी कि सत्ता में बैठा एसडीएम अधिकारी तय करेगा कि किसकी यूनियन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, जबकि मजदूरों का ये हक रहा है ट्रेड यूनियन बनाने का। पूरी तरीके से इन्होंने ये सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, और सूट बूट की सरकार इसलिए कहा था क्योंकि इनके जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने कानून हैं, वे कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए हैं। आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर 2021 तक के बजट में कॉरपोरेट टैक्स नहीं बढ़ा। कॉरपोरेट टैक्स तो बड़ा नहीं, उसमें कंसेशंस और दे दिए। आज यदि मैं कॉरपोरेट के बाहर हूँ तो मुझसे इनकम टैक्स लिया जाएगा 30% अगर मैं सीमा में आता हूँ, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स 25% है और एक्चुअल रियलाइजेशन उसका 22.5% होता है। यानी कि अरबपति खरबपति लोग कम टैक्स देंगे और साधारण आदमी ज़्यादा टैक्स देगा। अब पेट्रोल डीजल का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन वर्षों में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल पर 9.48 रुपये हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 32.98 रुपये हो गई है। यानी कि पेट्रोल पर लगभग 23 रुपये प्रति लीटर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, 9 रुपये से 32 रुपये। और डीजल की जो केवल 3.5 रुपये थी उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 31.83 रुपये, यानी कि 23.50 रुपये बढ़ाए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए पेट्रोल में और 28.27 रुपये बढ़ाए डीजल में, जबकि कच्चे तेल का भाव कम होता चला गया। 2014 में कच्चे तेल का भाव $104 प्रति बैरल हुआ करता था, जो कि मांग घटने से $37 से $50 प्रति बैरल हो गया था। ये लाभ कंज्यूमर को जाना चाहिए था, लेकिन ये लाभ कंज्यूमर को नहीं गया, ये लाभ गया मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी सरकार को। और 6 सालों में पेट्रोल के 3.5 गुना और डीजल पर 10 गुना इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि की है। और साथ में बताना चाहता हूँ कि इसमें पेट्रोल डीजल से इन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से ली जाती है, जो कि आम आदमी, जो कि स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला,
ट्रक वाला, कार वाला, छोटी गाड़ी वाला, ये उसकी जेब से पैसे निकालकर इन्होंने टैक्स लिया है। जबकि होना ये चाहिए था कि कच्चे तेल का भाव लिंक करना का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने लिया था कि जो रेट कच्चे तेल की होगी उसी आधार पर पेट्रोल और डीजल की रेट तय होगी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसमें फिक्स थी। अब यही नहीं है, बिहार के मामले में कहना चाहता हूं कि बिहार के मामले में भी जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिविजिबल पूल में जाती है, यानी कि कुछ हिस्सा सेंट्रल एक्साइज का, क्योंकि ये जीएसटी में नहीं आता है, तो इसलिए इसका डिविजिबल पूल में जो है ये जाता था, जो एक्साइज ड्यूटी का जो 9.48 का एक्साइज ड्यूटी थी उसका डिविजिबल पूल में जाता था 6.35 रुपीस, यानी कि उसका हिस्सा 6.35 पैसा राज्यों को जाता था। और वही डीजल का जाता था करीब उसमें 9%। अब वो घटा दिया गया और घटा के उसको डिविजिबल पूल से हटाकर सेस में डाल दिया, यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है 2.25 लाख करोड़ हो गया, 7,000 करोड़ से ज़्यादा के बढ़कर 2014 में 60-70 हज़ार करोड़ आता था, वो 2.25 लाख करोड़ हो गया। और उसमें भी जो जो स्टेट का हिस्सा था वो कम कर दिया गया। पूरे तरीके से इन्होंने सरकार को घाटा दिया है और राज्यों का अधिकार भी छीना है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब राज्यों का अधिकार छिन रहा था तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर बचाने के लिए मोदी जी के हर निर्णय का वे सब स्वागत कर रहे थे। अभी उन्होंने पहली बार हिम्मत दिखाई है कि पिछड़ा वर्गों का सेंसस आरक्षण सेंसस के हिसाब पिछड़ा वर्गों का आधार पर होना चाहिए, लेकिन गए थे लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई। लेकिन उन्होंने दिखा दिया बिहार की जनता को हम आरक्षण के बिहार ओबीसी के पक्ष में हैं, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी है आज तक, आगे मान ले मैं नहीं जानता। और इस तरह से आप देखेंगे कि भारत पे 2014 में कर्जा था 54,90,000 करोड़ रुपए, जो 2020 में हो गया 100 लाख करोड़, यानी कि आज़ादी से लेकर 2014 तक 54,000 और 2014 से लेकर 2020 में लगभग 50 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। इस तरह से हर पहलू पर इन लोगों ने नुकसान किया है। आप डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने कहा था नोटबंदी होगी, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी बंद हो जाएगी और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा उस समय, और ये भी कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, 2016 सितंबर में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो थी 17.9 लाख करोड़। अब डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ता तो ये करेंसी कम होना चाहिए थी। लेकिन 2016 से लेकर 2021 में आरबीआई का लेटेस्ट फिगर है कि ये बढ़ के हो गया है 27 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ मार्केट में और करेंसी आ गई है। अभी 10 लाख करोड़ कहाँ गया, जनता की जेब में तो गया नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नया आया नहीं, उल्टा इन्वेस्टमेंट जो हमने सरकार ने किया हुआ था वो बिगड़ा है। तो इसकी भी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक वो है कि आखिर ये इतना करेंसी मार्केट में 10 लाख करोड़ आके इम्पैक्ट क्या हुआ, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं। अब इन्होंने जो सूची बनाई है कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या क्या ये लोग बेचेंगे, पहली बात तो यह है कि इसमें बता दूं कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर,
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो इनके बजट में था, जो उन्होंने घोषणा की है, ये सब एक तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है और एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जहाँ की निर्माण होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, नया इन्वेस्टमेंट आता है, नया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आ रहा है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है कि जो ऑलरेडी बन चुका है असेट, जो संपत्ति आपकी बन के तैयार है और जिससे आपको हर साल मुनाफा आ रहा है, उसको बेचने की अब तैयारी है। और क्या क्या बेचेंगे? सड़कें बेचेंगे, रेल की पटरियां बेचेंगे, रेलगाड़ियां बेचेंगे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस बेचेंगे, टेलीकॉम बेचेंगे, टावर्स बेचेंगे, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बेच देंगे, पावर जनरेशन बेच देंगे, जो गैस की पाइपलाइन बनी है वो भी बेच देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन अदर से वो भी बेच देंगे, वेयर हाउसिंग असेट्स मतलब FCI के गोडाउन, वेयर हाउसिंग के गोडाउन वो भी बेच देंगे, माइनिंग के असेट्स भी बेच देंगे, एयरपोर्ट्स बेच देंगे, पोर्ट्स बेच देंगे, और तो और स्टेडियम भी बेच देंगे, खेल के मैदान को भी बेच देंगे, और जो शहर की कीमती जमीनें सरकार के पास है वो भी बेच देंगे। नालायक बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जो घर की संपत्ति बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, वो उसको लायक हम कैसे माने? कैसे नरेंद्र मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री हम माने, जो पूरे तरीके से नियम और कानून इस तरह के बना रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब इसके अंदर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि जैसे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट रोड से आपको 100 करोड़ का टोल टैक्स आ रहा है साल का, तो उसको वो बिडिंग करेंगे कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए इससे मिल रहे हैं, अब आपको हम 30 साल 50 साल का हम लोग इसको सौंप रहे हैं। हम लोगों ने असेट बनाया, सड़क हमने बनाई, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसने जनता के पैसे से जनता के हित में निर्माण किया, 1000 करोड़ की सड़क बनाई, 100 करोड़ टैक्स आ रहा है जो उसके मेंटेनेंस में और रेवेन्यू में जा रहा है, उसको वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, हम आपको ये 1000 करोड़ का एसेट आपको दे रहे हैं और 30 साल में 100 करोड़ के हिसाब से आपको 3000 करोड़ का मुनाफा होगा, इस 3000 करोड़ में आप हमें पहले दे दीजिए और आप इससे कमाइए। अब जो लेगा वो पैसा कहाँ से लाएगा? आज केवल 2-4 लोगों को छोड़ के लिक्विडिटी कहीं है नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग वहीं आता है जहाँ नया प्रोजेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और उसमें भी एग्जिट का प्रावधान रहता है, यहाँ एग्जिट का प्रावधान नहीं है। 30 साल और 50 लाख का एसेट में बाहर निकलने का कोई अगर घाटा हुआ तो कौन सहेगा? इसलिए इसमें मूल बात यह है कि आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट का प्रारूप क्या होगा, इसमें पॉलिसी में कहीं नहीं है। दूसरा, यूजर चार्जेस कौन फिक्स करेगा, ये इसमें नहीं है, और बिडर का प्री क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये पॉलिसी में नहीं है। तो मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह सरकार अपने चुने हुए लोगों को फायदा देने के लिए ये पॉलिसी बनाई है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट तो अलग करेंगे लेकिन जो क्रिएटेड असेट्स हैं, सड़क है और जितने मैंने आपको गिनाए हैं, उन सबको वो बेच देंगे और उनसे वो पैसा ले लेंगे। अब आप बताइए, क्या जनता ने इसीलिए इनको चुन के ले जा था? कितने बिहार की नवयुवकों को इन्होंने रोजगार दिया? बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट ये भारत सरकार यहाँ लाई? क्या लाभ हुआ? कौन सा लाभ हुआ मोदी शाह सरकार में, भाजपा सरकार में? और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके हुए हैं। आखिर इन सब बातों को जनमानस तक ले जाने का हमारा संकल्प है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा
मदन मोहन जी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि यात्राएं खूब निकल रही है बिहार में। एक यात्रा निकल रही है रामविलास पासवान जी का सुपुत्र चिराग निकाल रहा है, उनके खिलाफ पारस निकाल रहे हैं, अब जनता दल में लल्लन जी भी निकाल रहे हैं, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकाल रहे हैं। ये सब तो केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के हित में निकालना चाहिए, महंगाई के विरोध में, हमारी सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए किसानों के पक्ष में यात्रा निकालें, जनमानस में जाइए, जनमानस को बताइए कि कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है ये मोदी शाह सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न पूछना चाहे पूछ। ये तो मैं तो सुझाव दिया है।